शिक्षक संघ प्रदेश भर में हरित क्रांति अभियान व हरित पखवाड़ा मना रहा है। इसी के अंतर्गत मंगलवार को शहर के राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय परशुराम द्वारा एक पेड़ माँ के नाम कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसके अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम पर पौधारोपण कर विधिवत शुरुआत की व पौधारोपण कर संरक्षण का दायित्व विद्यालय को सौंपा। इस दौरान संगठन के हरित पखवाड़ा के स्टिकर का भी विमोचन किया गया। संगठन के हरित क्रांति अभियान व हरित पखवाड़ा की सराहना की तथा मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान हरियालो राजस्थान अंतर्गत प्रदेश के शिक्षकों, विद्यार्थियों एवं अभिभावकों से अधिकाधिक पौधारोपण की अपील की। निदेशक मोदी ने बताया कि बढ़ती ग्लोबल वार्मिंग चिंता का विषय बन गया है। पेड़ पौधे ही हमें प्रदूषण व ग्लोबल वार्मिंग से निजात देते हैं। पेड़ पौधों को जीवन साथी की तरह मानकर संरक्षण करें। राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के मुख्य संरक्षक एवं प्रशासनिक अध्यक्ष सियाराम शर्मा ने बताया कि हर साल संगठन की तरफ से हरित पखवाड़ा मनाया जाता है, जिससे प्रदेश के सभी जिलों में संगठन द्वारा पौधारोपण किया जा रहा है। कार्यक्रम संयोजक मुख्य महामंत्री नवीन कुमार शर्मा ने वृक्षारोपण के महत्व के बारे में जानकारी देते हुए संगठन व विद्यालय में शिक्षकों व विद्यार्थियों के द्वारा शिक्षा के साथ पर्यावरणीय नवाचारों से अवगत कराया। संगठन के प्रदेश स्तरीय हरित क्रांति अभियान व हरित पखवाड़ा के प्रदेश संयोजक मुकेश हाटवाल ने बताया कि जब भी पौधारोपण करें, संरक्षण के संकल्प के साथ करें, लगाए हुए पौधे जीवित रहने चाहिए। उन्होंने बताया कि ऑक्सीजन की आपूर्ति के लिए पौधारोपण करें तथा हमें सिंगल यूज प्लास्टिक का बहिष्कार करना चाहिए। संगठन के प्रदेश प्रवक्ता मुकेश कुमार मीणा के अनुसार संगठन के द्वारा प्रदेश भर में 5 लाख पौधे लगाने का लक्ष्य रखा गया है। आज राजस्थान शिक्षक संघ सियाराम के हरित पखवाड़े में माध्यमिक शिक्षा निदेशक आशीष मोदी जी के कर कमलों से एक वृक्ष लगाया गया और ये संकल्प लिया गया कि पूरे राजस्थान में 5 लाख वृक्ष लगाए जाएंगे और लगाने के साथ साथ उन पेड़ों की सुरक्षा की जिम्मेदारी ली गई। इस दौरान विद्यालय के CBO जयपुर पश्चिम ओम प्रकाश गोड, CBO मुकुल कविया, प्रधानाचार्य कैलाश चंद गुप्ता, नारायण लाल मिश्रा, उप प्रधानाचार्य नीलम शर्मा, जयपुर जिलाध्यक्ष राम स्वरूप, संस्कृत शिक्षा मंत्री अमित योगी, ईश्वर दयाल शर्मा, जयपुर ग्रामीण जिलाध्यक्ष हनुमान सहाय खटीक, प्रदेश कोषाध्यक्ष विजय वर्मा, आनंद सिंह फांगण उप शाखा जयपुर, पूर्व अध्यक्ष कुलदीप सिंह, मंत्री गिरिराज मीणा, कोषाध्यक्ष दीपक खांडा, रामावतार मीणा, रेखा जोशी, रूप नारायण मीणा, इंदु जैन व विद्यालय का समस्त स्टाफ व संगठन के पदाधिकारी भी मौजूद रहे। आज यहाँ पर महात्मा गांधी गवर्नमेंट स्कूल परशुराम द्वारका में शिक्षक संघ सीताराम के द्वारा एक बृहद वृक्षारोपण कार्यक्रम किया गया और सबसे ज़्यादा मैं इस विद्यालय के सभी पदाधिकारियों को, शिक्षकों को, खास करके प्रधानाध्यापक महोदय को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने न केवल एक कार्यक्रम किया है बल्कि बच्चों को वृक्ष मित्र के रूप में प्रेरणा दी है और बच्चे इस मुहिम से जुड़े हैं। तो मुझे पूर्ण विश्वास है कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा ये जो प्रदेश भर में मुहिम चलाई जा रही है कि हमारा राजस्थान हरित प्रदेश हो और लगभग 7 करोड़ पौधे लगाए जाने का टारगेट लिया गया है, प्रत्येक पौधे को बचाने के लिए ऐप के माध्यम से ट्रैकिंग की जाए, उसमें सभी लोग जुड़ करके, शिक्षक संघ के सभी पदाधिकारी, सभी मेंबर्स जुड़ करके इस मुहिम को एक महाअभियान बना रहे हैं। इसके लिए मैं सभी लोगों को धन्यवाद देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये जो महाअभियान आज स्टार्ट किया गया है माननीय मुख्यमंत्री महोदय के द्वारा 7 अगस्त को हरियाली तीज के उपलक्ष्य में जो प्रदेश भर में कार्यक्रम किया जाएगा, यह केवल एक दिवस तक सीमित नहीं रहेगा, यह महाअभियान चलता रहेगा और हम राजस्थान को हरित प्रदेश बना सकेंगे।